देखिए इको है इन पहाड़ों में, इधर से उधर दोनों तरफ जंगल है ये तो पूरा। अस्सलाम वालेकुम। आज सुना है कि भेरेटन कराची से भी कोई रास्ता जाता है धड्डू डैम की तरफ, तो देखते हैं जी जाके कहाँ से रास्ता निकलता है और हमें कहाँ लेके जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक दोस्त ने एक वीडियो पर फरमाइश की थी कि गेट की थोड़ी सी अपडेट देते, तो मैं यहाँ से घूम जाता हूँ तौहीद स्क्वायर को पूरा और आपको गेट की भी एक छोटा सा व्यू करवा देते हैं। लोग रोज़ाना चढ़े होते हैं, नीचे काफ़ी सारे काम चल रहे हैं, तो बस यही है यहाँ तक का अपडेट इसका। ये देख लीजिए जी नज़दीक से, ये अपडेट है गेट का, मेन गेट का फ्रंट व्यू ऑफ गेट यहाँ तक बन गया जी। ये देख लें इतना काम हो गया भाईजान, चलिए काफ़ी है। तो चलिए आगे चलते हैं, थड्डू डैम की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा की तरह साफ सुथरी, थीम पार्क, एक क्लॉक टावर पहुंच गए जी। ब्लॉक को क्रॉस करके हम 11A के पास पहुँचे, यहाँ से नीचे उतरते हैं और आगे आपको लेके चलते हैं थड्डू डैम की तरफ। यहाँ से यू टर्न, इन 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट ऑन टू 18th एवेन्यू, टेक द नेक्स्ट लेफ्ट ऑन टू 18th एवेन्यू। नेक्स्ट लेफ्ट ले लेते हैं भाई, बैरिया में दिन को भी लाइटें जलती हैं। ये देखिए बैरिया की इंतजामिया, दिन में तो लाइट बंद कर दो भाई। चैंपियंस स्क्वायर एग्जिट द राउंड अबाउट ऑन टू एवेन्यू 19 18 से 18वीं एवेन्यू से 19वीं, 19वीं से 20वीं एवेन्यू पे आगे करना। अब हम पहुंच गए हैं, टेक द नेक्स्ट लेफ्ट। प्रिसन 23 से कैसे बाहर निकालेगा, प्रिसन 25 के सामने और 22 के सामने से होते हम सीधा निकल जाएंगे। Turn right, then turn left. सीधा चलते हैं यहाँ से प्रिसेंट 23 से, थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, भाई साहब से हमने मालूम किया है। Continue for 4 kilometers. 4 किलोमीटर कह रही है, चलते रहो आप। एक हमारे साथी बैठे हैं रास्ते में जा रहे थे, हमने इनको बिठा लिया, इनको हमने यहाँ ड्रॉप करना है, तो इन्होंने बताया कि आगे से आप जो है वो लेफ्ट ले लेंगे और थड्डू डैम 10 मिनट बोल सर ठीक हो गया। पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल पहाड़ी के बीच में से हम नीचे जा रहे हैं। अरे भाई बिल्कुल सेंटर में चलने की क्या तुक बनती है, हट जाओ थोड़ा सा रास्ता दे दो हमें भी भाई। तो यार ये क्या ला रहा है,
कि मेरी गाड़ी को स्क्रैच में डाल दे। नहीं नहीं वो बहुत अकलमंद है जनाब, वो पहले ही रुक गया। मास वाले ने जनाब जगह दी, उसे पता था कि हमारी गड्डी की बॉडी से टकरा जाएगा वहाँ, तो साइड में हो गए। और ये रास्ता मजीद क्लियर किया जा रहा है, थोड़ी सी जगह हमें दे दो भाई। पत्थर आ गया, पत्थर खतरनाक हो गया। सैफुल्ला चढ़ेगी गाड़ी? शेरनी है ये हमारी शर्मीली। बस है जरा वीरान जगह, तो आप लोग अगर आए तो दो तीन बंदे साथ साथ आए। ये तो अभी हम पक्के रोड पे चढ़ जाएंगे, ये ऑफ रोड है, वो फिर हम ऑन रोड हो जाएंगे। In 200 meters, turn left. 200 meters, turn left. अच्छा जी, ये रोड आ गई पक्की जनाब, ये आ गई पक्की, तो नेक्स्ट लेफ्ट ले लेते हैं और इस पक्की रोड पे चलते हैं। और ये रोड बताया जा रहा है कि हमें सीधी ले जाएगी थड्डो डैम। बाइक वाला आ रहा है सामान लेके, हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा सामान। ये देखें आप, इस वीराने बयाबाने में पक्की सड़कें बनी हुई हैं और सानू पता ही नहीं। आपको बैरिया नजर आ रहा है, उसकी दीवार नजर आ रही है। ओ बैरिया के घर और सामने दीवार। तो यार ये बाबा जी जा रहे हैं पैदल, अगर ये बुजुर्ग आदमी है तो पूछ के इनसे, इनको बिठा लेते हैं। चोर होगा? नहीं नहीं, चोर होगा तो हमसे क्या लेके जाएगा यार, थोड़े पैसे ले लेगा। और फिर बाबा है, बाबा से पूछ लो, बाबा को बिठा लो। थड्डो डैम सीधो रास्ता है, नजदीक है, नजदीक है। अच्छी रोड है जनाब, मजबूत बनी हुई है, साफ सुथरी रोड है, पक्की। ये कहाँ गुजरा भाई इधर? ये क्या लगा हुआ है? ये भाग गया? क्यों भागा? क्यों भाग गया? डर गया? वो टांगें खुद बांधी हुई हैं उन्होंने, सलाम का जवाब दिए। ये देखिए ये रास्ता टूट गया है, ये कोई नाला बनाया था ताकि पानी नीचे से निकल जाए पाइप डले में, लेकिन वो सारा रास्ता ही बह गया। अब बेचारे पाइप हैं और पानी इधर से आता है और इन पाइप में से होता है दोबारा। In 200 meters, turn right. आगे से टेक द नेक्स्ट राइट, इधर से ऐसे आइए पक्के। अच्छा इसको इधर उतारो, उतारो जाऊं आगे। अच्छा आगे सीधा जाना है। तो एक बुजुर्ग हमें मिल गए थे, अस्सलाम वालेकुम, तो उनको हमने बिठा लिया था, रास्ते में जा रहे थे, उनसे मजीद हमने कंफर्म किया है। यहाँ पे हमें एक बेरी का दरख्त नजर आया है, टेस्टी तो है यार, खट्टा मीठा है, खट्टा मीठा जनाब। ये हमारी शर्मीली शर्मीली है, तो चूँकि रास्ता भी इसमें से बारिश की नज़र हो गया कभी इस ज़माने में, तो दोबारा सड़कें तो इन इलाकों में बहुत मुश्किल है। तो ये एक बाईपास बनाया हुआ कच्चा, यहाँ से होते हुए आप जाना सीधा सीधा कड़ाप जा सकते हैं। और ये रास्ता, ये रोड सीधी जा रही है थड्डो डैम। राइट टर्न टर्न लेना, सामने टूटा हुआ है सब कुछ, वो जो बाइक आ रही है। हमने यहाँ से कच्चे से जाना है क्योंकि पक्की रोड जाना ये भी ख़राब हो गई है। बारिश जाहिर है, बारिश का पानी भाई गुजरेगा जहाँ से वो सर, सर, अपने पीछे सिर्फ आसारी छोड़ देता है। ज़बरदस्त रोड है, ऐसे लगता है हम कहीं बागात की सैर कर। नीम भी है, वो भी है, हाँ कितने खूबसूरत पौधे हैं। अल्लाह खैर करे, लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे, देखते हैं। पठान भाई हैं, पठान भाई, हम तो डर गए, कोई लूटने के लिए बीच में खड़ा हो गया था। लग
जंगल है ये तो पूरा। ओहो ये जबरदस्त जगह है भाई ये तो। लेकिन बीच में ये कौन सी जगह क्या बना है? थड्डू डैम जाते हुए ये एक छोटा सा डेरानवा जगह, ये देखें आप जामन के पौधे लगे हैं। आई थिंक ये जामन का ही है। डिफरेंट पूरा पूरा जंगल है ज़बरदस्त। ये यहाँ से देखते हैं नीचे क्या चीज़ है। ये साफ सुथरी जगह बनाई हुई है लेकिन यहाँ पे लोग बैठते होंगे। वाओ ज़बरदस्त जगह। ये देखिए मैं समझा कोई सांप है, ऐसे लिपटा हुआ है ऊपर तक जा रही। ये अजीबोगरीब ही पौधा है, ऐसा सांप है। तो ये जनाब नीचे पूरा घना जंगल और ये कोई नहर शहर डैम से निकाली है। खस्ता हाल जमाने गुजर गए। तो ये थड्डो डैम जाते हुए थोड़ा सा जंगल का व्यू खूबसूरत। सूखा पड़ा है यार, सूखा पड़ा डे में। तो जनाब ये एक गेट लगा हुआ है और ये है डैम जहाँ से बंद बांधा गया पूरा का पूरा जबरदस्त किस्म का। और डैम में पानी नहीं है, बारिशें यकीनन नहीं हुई तो बस पानी तो फिर निकल गया ना। आइए आगे चलता हूँ और आपको आगे से भी दिखाते हैं। ये कोई आए हुए लोग पता नहीं कहाँ गए हैं, आगे गए होंगे, टहल वहल रहे होंगे हमारी तरह। पहाड़ के बीच में अच्छी खूबसूरत लोकेशन, ज़बरदस्त लोकेशन, पानी। तख्ती भी ले गया भाई, ये किसने जूता रखा हुआ है पता नहीं, किसने पता किया होगा वो भी निकाल के ले गया। मार्बल को ज़्यादा अच्छा लगा दिया होगा। हाँ ये देखिए जनाब, आइए 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 आपको दिखाते हैं आस्ता आस्ता। ये है डैम का पानी, इस तरफ आगे रुकता है। ये बंद बांधा हुआ है, बड़ा सा पेट निकला हुआ है। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं। तो जनाब मैं सीढ़ी से नीचे आ गया हूँ और मैं डैम के ऊपर खड़ा हूँ और ये पानी आला पाकिस्तान। ये इधर से ढलान है, ये ख़तरनाक है और यहाँ पर चलना भी ठीक नहीं है वैसे। खैर इस तरफ भी ख़तरनाक है और उस तरफ भी ख़तरनाक है। इसके लेवल सामने लगे हुए और पानी यकीनी तौर पे ठीक ठाक ऊपर आ जाता होगा। और अब तो हम चूँकि यहाँ पे आ चुके हैं तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे जब बारिशें होंगी, इस डैम पे भी आ जाएंगे और ये यहाँ से ऊपर से होके जाता होगा, स्लिप होता हुआ पानी। थड्डू डैम अब हम आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट बारिशों के सीज़न में। बारिश होने के अच्छी खासी जब बारिश हो जाएगी तो उसके हम चंद दिन बाद आएंगे इंशाल्लाह और देखेंगे कि यहाँ पे पानी का क्या हाल है। देखिए इको है इन पहाड़ों में, इधर से उधर दोनों तरफ आवाज़ बहुत गूंजती है भाई। शायद जब पानी भर जाए तो फिर आवाज़ जज्ब कर ले, आई डोंट नो। तो थोड़ा पीछे हो जाए, थल्ले डिग नहीं दूँ पानी दे, सारा सूख गया है। तो वीडियो का यहाँ पे करते हैं इख्तिताम और मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स और दीगर लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलामु अलैकुम।